बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर जारी है। दो चरणों के मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत तीसरे चरण का चुनाव शुक्रवार को होना है। वही इस बीच राज्य के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 23,000 पदों के लिए मतदान किया जाना है। दरअसल बिहार में तीसरे चरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 6,942 भवनों में 10,634 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में अब तक सर्वाधिक 83,238 उम्मीदवार तीसरे चरण के मैदान में हैं। उनमें 38,931 पुरुष और 44,307 महिला प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही तीसरे चरण में ग्राम पंचायत सदस्य की 11,247 सीटों पर सबसे अधिक 44,401 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मुखिया के लिए 759 सीटों पर 7,538 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत समिति सदस्य के 1,036 सीटों के लिए 6,851 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। ग्राम कचहरी पंच के 11,247 पदों के लिए 18,606 और ग्राम कचहरी सरपंच की 759 सीटों के लिए 4,427 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिला परिषद सदस्य की 107 सीटों पर 1,415 प्रत्याशी किस्मत अजमा रहे हैं। वही इस बीच तीसरे चरण में 3,144 पद ऐसे हैं जिन पर चुनाव कराने का खर्चा बच गया है, क्योंकि इन पदों पर एकल प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों में सबसे अधिक 3,020 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य के 3 पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। वही ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 118, मुखिया पद के लिए 2, पंचायत समिति सदस्य के लिए 3, ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 1 पद शामिल है। वही तीसरे चरण में 186 पद खाली रह गया है। यहाँ कोई प्रत्याशी दावेदारी नहीं किया है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 7, पंच पद के लिए 176 और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 3 पद शामिल है। गौरतलब है कि तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को यानी 8 अक्टूबर को वोटिंग होना है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तीसरे चरण में कुल 23,128 पदों के उम्मीदवार अपने किस्मत अजमाएंगे। तीसरे चरण में कुल 57,98,379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।